फिर कुछ देर बाद आलिया नागिन के घर की बेल बजी। अरे जुड़ैल बहन। सलाम बहन जी, मैं आपकी नई पड़ोसन बिन बतोड़ी हूँ। दरअसल मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आपके घर से थोड़ी चाय की पत्ती, थोड़ा दूध और चीनी मिल जाती तो चाय बना लेती। ये कहानी एक खूबसूरत आशियाने की है, जहाँ बहुत सारे नाग और नागने रहते थे। वहीं पर आलिया नागिन एक बरगद के पेड़ पर घर बनाकर रहती थी। वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी और सभी से प्यार से बात करती थी। उस जंगल में रहने वाले आलिया नागिन को बहुत पसंद करते थे और उसके दोस्त थे। एक दिन मोटू नाग उसके घर आता है। अरे आलिया बहन, तुमको कुछ पता चला? बरगद के पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहने आई है और वो शक्ल से बहुत दुष्ट दिखाई देती है। कोई बात नहीं मोटू भैया, अल्लाह ने ये सब धरती सबके लिए बनाई है। कोई कहीं भी रहे, खुदा को कोई एतराज नहीं। हम कौन होते हैं मना करने वाले। अरे बाबा, तुम तो सबको अपनी तरह सीधा साधा समझती हो। कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। बस मैं तुम्हें यही बताने आया था। तुम अपना ध्यान रखना दोस्त चुड़ैल से, सावधान रहना। इतना कहकर मोटू नाग अपने घर चला गया। फिर कुछ देर बाद आलिया नागिन के घर की बेल बजी। सलाम बहन जी, मैं आपकी नई पड़ोसन बिन बतोड़ी हूँ। दरअसल मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आपके घर से थोड़ी चाय की पत्ती, थोड़ा दूध और चीनी मिल जाती तो चाय बना लेती। वो क्या है ना, मेरा सामान बिखरा हुआ है जिसे तरीके से लगाने में काफी समय लगेगा। अंदर आइए बहन, मैं खुद आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और अब तो आप भी हमारी पड़ोसन हो गई हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। आप तो बहुत अच्छी और दयालु नागिन हैं, वरना इस बरगद के पेड़ पर और भी नाग रहते हैं। उन्होंने तो मुझे पानी तक भी नहीं पूछा। आलिया नागिन उस बिन बतोड़ी चुड़ैल के लिए चाय बनाकर ले आई। साथ में आलिया नागिन ने टेबल पर कुछ बिस्किट और नमकीन भी सर्व कर दिए। चुड़ैल ने सारी प्लेट साफ कर दी और जमकर टकार ली। बहन, बहुत ही स्वादिष्ट चाय और नाश्ता था। चलो, दिन भर तक का काम तो चल जाएगा और फिर रात का खाना किसी होटल में जाकर खा लूंगी। चलती हूँ, घर बहुत काम है। अरे बिन बतोड़ी बहन, आप बस घर का सामान लगाइए, मैं आपके लिए रात का खाना पका कर रखूंगी। आप यहीं आकर खा लेना। बिन बतोड़ी चुड़ैल बहुत ही लालची और मांग मांग कर खाने वाली चुड़ैल थी। उसे खुद काम करने में आलस आती थी। वो कभी अपने घर खाना नहीं पकाती थी। वो दूसरे नागों के घर खाने के समय पहुंच जाती थी। अब धीरे धीरे सब नाग उसे समझ गए थे। अब कोई भी नाग उसके आने पर उसे चाय नाश्ता नहीं पूछते थे। वो चुड़ैल आकर कुछ देर उनसे बातें करके चली जाती है। पर आलिया नागिन अपने स्वभाव से मजबूर थी, हमेशा उस चुड़ैल को कुछ ना कुछ खाना या चाय नाश्ता परोस देती थी। एक दिन आलिया नागिन मोटू के घर गई। ये बिन बतोड़ी चुड़ैल तो हर रोज तीन समय मेहमान बनकर मेरे घर आ जाती है। मैं मना भी नहीं कर पाती और मुझे उसे चाय नाश्ता कराना पड़ता है। मैं खुद एक गरीब नागिन हूँ, भला मैं किसी और की जिम्मेदारी कब तक निभाऊंगी। आलिया बहन, दुनिया में सभी लोग तेरी तरह सीधे नहीं होते। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इससे सावधान रहना। इस बरगद के पेड़ पर कोई भी नाग इस बिन बतोड़ी चुड़ैल को कुछ भी नहीं देता, वो सिर्फ तुम्हारे घर ही आती है। खैर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अगली बार जब वो बिन बतोड़ी तुम्हारे घर आए तो तुम दरवाजा मत खोलना और अंदर से कह देना मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम कर रही हूँ।
आलिया नागिन को मोटू नांग का आइडिया पसंद आ गया। अगली सुबह वो बिन पटोड़ी चुड़ैल उसके घर आती है। आलिया बहन, दरवाजा खोलो, ये मैं हूँ, बिन पटोड़ी चुड़ैल। आलिया नागिन ने अंदर से उसे आवाज दी। बिन पटोड़ी चुड़ैल बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। मैं आज आपकी सेवा नहीं कर सकूंगी। अरे मेरी बहन बीमार है, मैं कैसे शांति से बैठ सकती हूँ? मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैंने डॉक्टर को दिखाया था और उनकी बताई हुई दवा भी रोजाना ले रही हूँ। मुझे बस आराम की जरूरत है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मन बनाकर वो बिन पटोड़ी चुड़ैल वापस चली गई। उसके बाद तो ये रोज का नियम हो गया। आलिया नागिन किसी न किसी बहाने से उसे दरवाजे से लौटा देती है। ये आलिया नागिन तो बहुत होशियार हो गई है, इसे सबक सिखाना ही होगा। इसी बीच बरगद के पेड़ से नागों के अंडे और बच्चे गायब होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है। एक दिन सभी नाग सरपंच बंटी नाग के पास पहुंचते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। सरपंच बंटी नाग जी, हमारे बरगद के पेड़ पर हम कितनी खुशी से रहा करते थे और न जाने कुछ महीनों से किसकी नजर लग गई। कल रात मेरे दो अंडे गायब हो गए। हाँ सरपंच जी, पहले हम अपने बच्चों को अकेला छोड़कर भोजन ढूंढने चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे पीछे से गायब हो जाते हैं। सरपंच जी, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये जब से बिन पटोड़ी चुड़ैल यहाँ रहने आई है, तभी से ही ये घटनाएं घट रही हैं। तभी से कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। पर क्या करें, हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो चुड़ैल इतने दबे पांव आती है, किसी को उसकी आहट भी नहीं मिलती। सभी नांग अपनी अपनी समस्या बताने लगे। बंटी नांग को उनकी समस्या दूर करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। मीटिंग में ये तय हुआ कि सभी नांग बिन पटोड़ी चुड़ैल से सावधान रहेंगे और अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और कहीं अकेले नहीं जाएंगे। आलिया नागिन रोज नदी किनारे घूमने जाया करती थी, जहाँ कोई भी नहीं होता था। सरपंच की राय को नजरअंदाज करके उसी शाम नदी किनारे घूमने चली गई। उसी समय बिन पटोड़ी चुड़ैल भी वहाँ पहुँच गई। अरे बिन पटोड़ी बहन, तुम भी नदी पर टहलने आई हो क्या? अरे नहीं, तो मैं तो खाना खाने आई हूँ। खाना? और यहाँ यहाँ आपके खाने के लिए क्या है? अरे आलिया बहन, यही तो मेरे खाने के लिए एक टेस्टी चीज मौजूद है, एक नरम मुलायम और टेस्टी नागिन। मैंने तुम्हारी इतनी अवभगत की और तुम मुझे ही खाना चाहती हो? इसका मतलब सारे नाग सच कह रहे थे, तुम उनके अंडे और बच्चे चुराने वाली चोर हो। आलिया, इन सब का कारण हो तुम। अगर तुम हर रोज मुझे खाना बनाकर खिलाती रहती तो मैं किसी को नहीं मारती, पर तुम्हारे कारण सभी नांगों को अपने अंडों और बच्चों से हाथ धोना पड़ा। अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर आलिया नागिन के पैरों तले से जमीन निकल गई। अब वो सोचने लगी, अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। देखो बिन पटोड़ी बहन, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं रोज तीनों टाइम तुम्हें स्वादिष्ट भोजन पकाकर खिलाया करूंगी। अब बहुत देर हो गई आलिया नागिन, मैं इतनी भूखी हूँ कि और इंतजार नहीं कर सकती। एक एक करके मैं बरगद के सारे नांगों को खा जाऊंगी और फिर से किसी और पेड़ पर अपना बसेरा कर लूंगी। इतना कहकर बिन पटोड़ी चुड़ैल ने आलिया नागिन पर छलांग लगा दी। आलिया नागिन उसे बचने के लिए हवा में उड़ गई, जिसके कारण बिन पटोड़ी बहती नदी में गिर गई। बिन पटोड़ी को तैरना नहीं आता था
और वो पानी में डूबने लगी। उसने मदद के लिए आलिया नागिन को पुकारा। आलिया बहन, मुझे बचा लो, मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी, मुझे बचा लो। देखा, जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद उसमें गिर जाते हैं। आलिया बहन, मुझे अब अकल आ गई है, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। अगर मैंने आज तुझे बचा लिया तो ये मेरे दोस्तों के साथ नाइंसाफी होगी, तुझे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह सभी बरकत पर रहने वाले नांगों को उस बिन बतौड़ी चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और वो चुड़ैल पानी में डूब जाती है।